डियर स्टूडेंट्स, BTUP का रीचेक का जो फाइनल प्रिंट है 2024 का, वो कैसे आपको डाउनलोड करना है रीचेक स्क्रूटनी का। और मान लीजिए बहुत से बच्चे अभी क्या क्या जमा करना है आपको कॉलेज में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य है, नोटिस में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ये वाली आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए, आप लोगों ने क्या है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके 24 घंटे बाद फीस पेमेंट कर लिया, फिर नेक्स्ट 24 घंटे बाद आपकी फाइनल रसीद निकलेगी। यहाँ तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर तीसरा वाला ऑप्शन है, इस पर आपको टच करना है, ठीक है। तो आप इस पर टच करोगे, फिर अपना जो अपना आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों डालना है। डाल के आपको आगे सबमिट करना है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर है वो आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कुछ इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल के, फिर आपको ये दिख रहा ऑप्शन रीप्रिंट फिल फॉर्म, इस पर टच करना है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद आपको रीप्रिंट फिल फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है, यही आपको अपने कॉलेज में जमा करना है, ठीक। और दो तीन सर्टिफिकेट और हैं, वो भी जमा करना है। वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको कॉलेज में जमा करना है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। वीडियोस को देखते रहें, इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, फुल डिटेल आपकी आ जाएगी यहाँ पर निकल के। वो प्रोसीजर, इसको आपको प्रिंट करना है, डाउनलोड कैसे करना है, देखिए इसको आपको प्रिंट वाला ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट वाला, इस पर आपको टच करके आगे बढ़ना है और आपको इसको सेव करना होगा। तो प्रिंट कर लेना है आपको, ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे 24 घंटे बाद ही ये होगा फीस कटने के बाद, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर टच करना होगा, फिर आपका अगला यहाँ पर सेव PDF पे जाके इसको सेव पर क्लिक कर लेना होगा और आगे आपको बढ़ जाना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। देखिए, आपकी एक तो रही मेन रसीद जो कि निकलेगी, है ना, मेन रसीद जो निकलती है वो आपको कॉलेज में जमा करना है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से रहेगी, इसमें आपकी ट्रांजिशन डेट वगैरह रहेगी, ये फाइनल प्रिंट रहेगा, ठीक है। ये भी आपको कॉलेज में जमा करना है, ये लिखा हुआ हार्ड कॉपी आपने कॉलेज में ज़रूर जमा करना है, ठीक। उसके बाद हम बात करें, दूसरी रसीद आपकी रहेगी जो आपने फ़ीस पेमेंट किया है, ये वाली रसीद, है ना, फीस पेमेंट वाली रसीद। आपको ये कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, वो भी आप लोगों को मैंने जब बता दिया रहा है ऑलरेडी। और तीसरी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो रजिस्ट्रेशन की रसीद भी आपको जमा करनी है, तीन हो गई। चौथी आपको जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट की फोटोकॉपी, यानी कि चार डॉक्यूमेंट जमा करना है, तीनों जो प्रिंट, जो तीनों प्रिंट लिख रहे हैं, चौथा आपका रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आया हो उस रिजल्ट की फोटोकॉपी अपने कॉलेज में जमा करना है, तभी आपके एक प्रोसीजर आगे की ओर रखा जाएगा। कॉपी चेक होने को लेकर भी मैं आपको बताऊँगा, अभी तो फिलहाल अभी फॉर्म भर लीजिए आराम से और कॉलेज में जमा कर दीजिए। 100% अनिवार्य है कॉलेज में जमा करना, बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, उनकी बाद में प्रॉब्लम होती है। तो रिकॉर्ड रहता है, कॉलेज में जमा कर दोगे तो आपका एक रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, इसलिए आप लोग कॉलेज में जमा कर दीजिए, ठीक। बात करें, अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है बट रसीद डाउनलोड नहीं कर पाए तो टेंशन ना लो, डायरेक्ट लिंक में आपको SBI में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाना है, फिर यहाँ टच करना है आप लोगों को, फिर यहाँ पर OTP पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP जाएगा आपको, मोबाइल नंबर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखोगे, OTP जाएगा, फिर आपके नीचे शो करेगा कि हाँ आपने यहाँ जो भी फीस पेमेंट किया है रजिस्ट्रेशन की, वो यहाँ शो करेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पेमेंट वाली रसीद, ठीक है। हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, तो फिलहाल वो प्रोसीजर है, क्या क्या जमा करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक। तो फिलहाल आप लोगों की समझ में आ गया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करना है, मैंने बता दिया है। आई होप समझ गए होंगे कैसे डाउनलोड करना है, वो भी मैंने बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।